वार्ड नंबर 12 इकबाल नगर इलाके में एक पीने के पाइपलाइन में दरार पड़ जाने के सबब सुबह से हजारों लीटर पीने का पानी ऐन गर्मा के मौसम में बहता नजर आया, लेकिन इस पीने के पानी के पाइपलाइन की दुरुस्ती के लिए ना ही बल्दिया उज़्मा के अफसरान ने कुछ कार्रवाई की, ना ही मुकामी कारपोरेटर्स ने पीने के पानी को रोकने के लिए कोई ठोस इकदाम को रूबे अमल में लाए। लोगों ने इल्जाम आयद किया कि इस इलाके में ना ही सड़कें दुरुस्त की गई है और ना ही नालियों को दुरुस्त किया गया। वाज़ेह है कि इस इलाके में पिछले 2 दिनों से पीने का पानी नलों से नहीं आने के बाद मुकामी लोगों ने बताई, लेकिन आज सुबह हजारों लीटर पीने का पानी वार्ड नंबर 12 इकबाल नगर इलाके में बहता जरूर नजर आया। सुबह 6 बजे से पानी जा रहा, कोई आके देख रहे नहीं। ये नगर सेवक अभी तक कुछ नहीं करा, कोई नगर सेवक आके नहीं देखा। डिपो के पास पानी जा रहा, करंट उतर का अगर कोई मर गया तो कौन जिम्मेदार? रजा मस्जिद के पास एक करंट से मरा। और ये इधर इलाके में नलों को पानी आ रहा क्या? नहीं आ रहा, 3-4 दिन से नहीं आ रहा। पानी भरा चाहिए कोपन की गाड़ी से फुटाए राशन की एचर से, उन्होंने कुछ भी नहीं करे, देखे भी नहीं। कोपन की गाड़ी की तरफ से समझो कल से आज से गया ही। अभी नलों को पानी नहीं आ रहा, पाकिस्तान नगर से तो यहाँ तक पानी नहीं है। यहाँ पानी का नल फूटगा, यहाँ कोपन की दुकान है, परसों गाड़ी यही थी लेकिन ये गाड़ी से फूटा पाइप, जो फूटगा कि नहीं तो ये पानी इन्हों दे रहे कर रहे जो निकल रहा है, लोग पवा दाड़ रहे। जो डिपो है करण आगा तो इसके जिम्मेदार कौन है? तुम है क्या? मैं हूँ। तो उनका काम है आके देखो करो, मगर जान चले गई तो बात कोई भी नहीं आता। क्यों? तो पानी गए थे, झगड़े भी हो रहे घरों में। सुबह से देख रहे नाला खुले, जब से पानी यहाँ भैराज भैरा।